नमस्कार, आप बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीति हो रही है। खास करके बिहार एनडीए की बात करें तो बिहार एनडीए में अभी भी सीट शेयरिंग का मसला सुलझा नहीं है। बिहार एनडीए में तमाम जो पार्टियां शामिल हैं वो अपने अपने सीटों पर दावा कर रही हैं। अब पशुपति कुमार पारस ने भी दो सीटों पर दावा ठोक दिया है। जी हाँ, आरएलएजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने दो सीटों का मांग किया है। उन्होंने वैशाली को कहा है कि वो तो मेरा पुश्तैनी है, तो वैशाली हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा एक और सीट सूरजभान सिंह के लिए पशुपति कुमार पारस मांग रहे हैं। पशुपति कुमार पारस का यह बयान देखिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। चुनाव तो निश्चित रूप से जब हम दल में हैं चुनाव लड़ना ही चाहिए। अगली बार जब चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन में मुझको चार सीट मिला था, सुपौल, हाजीपुर, नालंदा और आरा। इसमें हम एक सीट जीते थे सुपौल से, नूतन सिंह जी चुनाव जीते थे। तीनों सीट पर हम सेकेंड किए थे। मैं आज से एक महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ, और मैं मणिपुर गया था तो मणिपुर से मैं लौट रहा था तो प्लेन में माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से हमारी बात हुई, तो मैंने उनको भी अपनी बात कही है। और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मैंने उनसे भी आग्रह किया कि भाई जो भी सीट है उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से, फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते दो। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, दो सीट मुझको कम से कम। हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो दो सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। आज बैठक है, देखिए क्या होता है। तो आपने देखा कि पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि उन्हें दो सीट कम से कम चाहिए। इससे पहले 2015 में जब वो एनडीए में शामिल थे तो उन्हें चार सीट मिले थे, जिसमें से एक सीट जीतने में वो सफल रहे, लेकिन इस बार वो कम से कम दो सीटों का डिमांड कर रहे हैं, खास करके वैशाली और इसके साथ ही सूरजभान सिंह के लिए एक और सीट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी और जदयू पशुपति कुमार पारस की इस डिमांड को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बिहार एनडीए में अभी सीट शेयरिंग को लेकर मसला सुलझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां 13 सीटों की मांग कर रही है, वहीं पर जदयू के द्वारा 12 सीटों का डिमांड किया जा रहा है। जदयू कह रही है कम से कम 50-50 का फॉर्मूला एमएलसी चुनाव में भी लागू हो। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। पशुपति कुमार पारस के इस डिमांड को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।